प्रोग्राम लॉन्च किया आइजा तिरुवनंतपुरम दैट इज आइजा टी वी एम ने तो आइजा टी वी एम में पहले बहुत सारा कोर्स वक्त था जैसे इंटीग्रेटेड पी एच डी पोस्टॉक पी एच डी और भी जो जो बी एस एम एस के बी पी आई के थ्रू जो प्रोग्राम ये सारे सब थिंग्स था ठीक है लेकिन इस साल से आइजा टी वी एम ने एक इम्पॉर्टेंट जो न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नेम है टू ईयर्स एम एस सी प्रोग्राम जनरली एम एस सी प्रोग्राम टू ईयर्स का ही होता है तो इसका नेम है टू ईयर्स एम एस सी प्रोग्राम ठीक है तो इसका जो वेबसाइट में है यहाँ पर देख सकते हो न्यू टू ईयर एम प्रोग्राम तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है यहाँ पर देखो क्लिक हेयर करके एक ऑप्शन है यहाँ पर यह क्लिक हेयर करके जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना है ठीक है क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर ये यह पेज में तुम फॉरवर्ड हो जाओगे तो ये पेज में फॉरवर्ड होने के बाद यहाँ पर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा ठीक है तो एडवर्टाइजमेंट जो मैं जो लिखा है यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स जैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है इसके लिए सेवेंटी ऑफ अगस्ट मतलब आज से ठीक है ये जो लिंक दिया है ये लिंक के थ्रू तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा तो इसके लिए एप्लीकेशन फी कितना है वन थाउजेंड रुपीज़ फॉर जेनरल ओबीसील ई डब्ल्यू एस एंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ फ़ॉर एस सी एस टी और अदर कैटेगरीज ओके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया है थ्री ईयर्स या फिर फोर ईयर्स बैचलर्स होना चाहिए साइंस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और अदर जो रिलेवेंट डिसिप्लिन हैं विथ मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स ओके इन सी जी पी ए पॉइंट्स ऑफ स्केल सिक्स पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन मतलब क्या होना चाहिए जो जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो उनके लिए जो बैचलर्स होता है बी या फिर बीटे वो फोर ईयर्स प्रोग्राम होता है तो उनके लिए फोर ईयर्स कंप्लीट करना होगा अदरवाइज रनिंग ईयर में है तो फाइनल ईयर में वो भी अप्लाई कर सकता है उसके साथ साथ जो जो स्टूडेंट्स प्योर साइंस में है तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो बैचलर्स होता है थ्री ईयर्स प्रोग्राम जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए थ्री ईयर्स बैचलर्स होता है एंड अदर रिलेवेंट डिसिप्लिन कोई भी और भी बैचलर्स रिलेटेड जो जो डिसिप्लिन होता है एग्रीकल्चर वगैरह इसमें तुम मतलब एलिजिबिलिटी एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हो ठीक है इसके लिए क्या चाहिए सिक्सटी परसेंट मार्क्स चाहिए बैचलर्स में जिसका परसेंटेज वाइज मार्क्स मिलता है अदरवाइज सी जी में जिसका मार्क्स मिलता है उसको अराउंड सिक्स पॉइंट फाइव मतलब सिक्स पॉइंट फाइव और अबब मिलना चाहिए इन टेन्स पॉइंट स्केल ओके फॉर जेनरल ई डब्ल्यू एस ओ बी सी एन सी एल ये कैटेगरीज के लिए और एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी के लिए क्या होना चाहिए फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन परसेंटेज वाइज और इन सी जी पी वाइज फाइव पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन ओके तो ये था कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलेटेड थिंग्स सिलेक्शन प्रोसीड्योर जो होता है मतलब इंटीग्रेटेड जो पी होता है आईजार तिरुवनंतपुरम के तो वहां पर भी क्या होता है पहले एक छोटा सा इंटरव्यू होता है स्क्रीनिंग इंटरव्यू या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट उसके बाद कुछ इंटरव्यू कुछ स्टूडेंट्स को सिले मतलब शॉर्टलिस्ट किया जाता है देन फाइनल राउंड इंटरव्यू के थ्रू एडमिशन होता है मतलब दो राउंड होता है एग्जाम और स्क्रीनिंग टेस्ट देन फाइनल इंटरव्यू यहाँ पर भी सेम थिंग्स दिया है क्या क्या होगा फास्ट होगा जो सेप्टेम्बर इलेवन में एक जो ऑनलाइन पोकटॉड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो मतलब प्रोटेक्टेड वर्सन में होगा जैसा आई कोलकाता ने एग्जाम लिया है एम एस या फिर बी के लिए ऐसे एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा छोटा सा ठीक है इन इं, इंग्लिश उसके बाद उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को परफॉर्मेंस के वाइज शॉर्टलिस्ट किया जाएगा देन उन सारे स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बैठना पड़ेगा मतलब फाइनल राउंड इंटरव्यू वो इंटरव्यू होगा फोर्टीन टू सिक्सटीन सेप्टेम्बर ठीक है तो ऑनलाइन इंटरव्यू जो फोकटॉट मोड में होगा वो होगा इलेवेंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड उसके बाद शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का जो इंटरव्यू होगा वो होगा फॉर्टीन टू सिक्सटीन सेप्टेंबर ठीक है फॉर द स्टूडेंट्स लाइक बायोलॉजी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स और भी जो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स सारे स्टूडेंट्स के लिए ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यहाँ पर क्लिक करके तुम डिटेल्स भी देख सकते हो तो नंबर ऑफ सीट्स कितना है देयर विल बी टोटल ट्वेंटी सीट्स ओके पर स्कूल मतलब आ, जो जो प्रोग्राम है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी सारे प्रोग्राम के लिए तो टोटल मैं मतलब ईच स्कूल के लिए ट्वेंटी सीट्स रहेगा ठीक है तो मतलब बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटीज़ है जो जो स्टूडेंट्स अभी अप्लाई नहीं किया मतलब कुछ इंस्टीट्यूट नहीं मिला उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट से अच्छा खासा एक प्रोग्राम में तुम एडमिशन ले सकते हो ठीक है तो मतलब ट्वेंटी सीट्स है मतलब बहुत ज़्यादा सीट्स है ठीक है जनरली आईजार टी में इंटीग्रेट पी एच के लिए फोर टू फाइव सीट्स होता है टोटल टेन सीट्स होता है उसमें से जनरल के लिए फोर टू फाइव सीट्स होता है ठीक है तो यहाँ पर ट्वेंटी सीट्स है मतलब डबल सीट्स है ठीक है ईमान शक्तो आईसी कोलकाता में जैसा है ऐसे ही यहाँ पर देख सकते इंपॉर्टेंट डेट्स भी दिया है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होगा ऑफ अगस्त मतलब कल से स्टार्ट हो गया लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर जो है फिफ्थ ऑफ सेप्टेम्बर मतलब फिफ्थ सेप्टेबर तक तुम फॉर्म फिलिंग कर सकते हो ठीक है उसके बाद मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कैसे फॉर्म फिलिंग करना है जो जो स्टूडेंट्स फॉर्म फिलिंग करना चाहता है जिसको इंस्टीट्यूट नहीं मिला वो फॉर्म फिलिंग करके अप्लाई कर सकता है उसके बाद देखो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा इलेवन सेप्टेम्बर उसके बाद इंटरव्यू इन ईच स्कूल फोर्टीन टू सिक्सटीन सेप्टेम्बर ठीक है ये जो इंटरव्यू डेट उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स लिस्ट मतलब फाइनल जो लिस्ट आएगा दो स्क्रीनिंग टेस्ट उसके बाद फाइनल इंटरव्यू फिर जो मेन लिस्ट आएगा वह वो होगा एटीन ऑफ सेप्टेम्बर ठीक है लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टिंग ऑफर ऑफ एडमिशन बाई पेइंग प्रेस्क्राइब फीस मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मिलने के बाद जब फीस पेमेंट करेगा उन सारे स्टूडेंट्स का जो लास्ट डेट है ट्वेंटी सेवन सेप्टेम्बर मतलब एडमिशन मतलब एडमिशन लेने के लिए सिलेक्ट होने के बाद जो पैसा पेमेंट करने का लास्ट डेट ठीक है उसके बाद अराइवल ऑन कैंपस मतलब कैंपस में जाने के लिए फोर्थ ऑफ अक्टूबर ये डिपेंडिंग ऑन योर कोविड सिचुएसन ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो जनरल कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह दिया है यहाँ पर तुम क्लिक करके ये सारे थिंग्स देख सकते हो एप्लीकेशन करने के लिए एच करके ऐप आईजा करके जो एम प्रोग्राम का फॉर्म फिलिंग तुम कर सकते हो यहाँ पर सारे थिंग्स जैसे फॉर्मेट क्या होगा सर्टिफिकेट या वगैरह फोटो का साइज कितना होना चाहिए कितना पैसा लगेगा फॉर्म फिलिंग ये सारे थिंग्स के लिए ये जो लिंक है तुम क्लिक करके देख सकते हो ये सारे थिंग्स तुम डिटेल में एक बार पढ़ लेना उसके बाद फॉर्म फिलिंग कर सकते हो तो मैं दिखा देता हूँ ये सारे लिंक्स में क्या क्या है तो लिंक्स के थ्रू तुम क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड होगा उसके थ्रू तुम पढ़ सकते हो तो यहाँ पर देखो एक लिंक क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग आया कि वन थाउजेंड रुपीज़ फॉर जेनरल कटागरी जेनरल ओ बी सी डब्ल्यू एस एंड फॉर एस सी एस टी कैटेगरी फाइव हंड्रेड रुपीज़ तो इन सारे स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट करना होगा नेट बैंकिंग या फिर यू पी आई या फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इसके थ्रू पेमेंट करना होगा ठीक है स्कैन पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ वहाँ पर अपलोड करना होगा फॉर्म फिलिंग के टाइम में उसका साइज फाइव हंड्रेड के बी के अंदर होना चाहिए सिग्नेचर का भी जो सिग्नेचर अपलोड करना होगा वो जेपी जी या फिर जे 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 जी फॉर्मेट फोटोग्राफ का भी जेपी जी या फिर जे पी ई जी फॉर्मैट तो फाइव हंड्रेड के बी के अंदर होना चाहिए देन डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ वो भी टू ज़ीरो फोर एट के बी के अंदर होना चाहिए टू जीरो फोर एट टू थाउजेंड फोर्टी एट के बी के अंदर होना चाहिए ठीक है तो उसके बाद कैटेगरी वाइज जो सर्टिफिकेट जनरल एप्लीकेट से नॉट रिक्वायर्ड टू अपलोड मतलब जो जनरल कैटेगरी का है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं होता जो एस सी एस टी ओ बी सी होता है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो 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 जी या फिर जेपी जी फॉर्मेट के थ्रू तुम अपलोड कर सकते हो जो कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए देखो यहाँ पर दो ऑप्शन दिया है ओ बी सी के लिए जो लिंक है इसको क्लिक करके तुम फॉर्मेट एक डाउनलोड हो जाएगा पी डाउनलोड होगा वो डाउनलोड करने के बाद तो प्रिंट आउट करके फिलअप करके तुम अपलोड कर सकते हो ये जो फॉर्मेट है यही अपलोड करना होगा अदरवाइज कंसीडर नहीं करेगा जैसे जैम और सीसीमेंट काउंसिलिंग के लिए जो अलग से फॉर्मेट था यहाँ पर भी एक अलग से फॉर्मेट है इसको क्लिक करके पी डाउनलोड करना होगा उसके बाद पेन के थ्रू फिलअप करके तुम्हें अपलोड करना होगा ओ ब सी एन एल एंड जनरल ई सब के लिए ठीक है तो इसका साइज होना चाहिए टू थाउजेंड के अंदर तो यह था कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पर दिया है सब कुछ मतलब एम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करने के लिए अभी मैं दिखा देता हूँ कि कैसे फॉर्म फिलिंग एंड रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर देखो ये जो लिंक है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो लिंक है एच इस करके इसको क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर तुम्हें एडवर्टाइजमेंट का सारे डेट्स वगैरह यहाँ पर सब आ जाएगा क्या क्या है सेवन ओपनिंग डेट मतलब सिक्सटीन ऑफ अगस्त लिखा है लेकिन सेवनटीथ ऑफ तो अगस्ट से स्टार्ट हुआ मतलब आज से ही स्टार्ट हुआ ठीक है आ, मैं पहले सोचा था कि वीडियोस नहीं बनाऊंगा कि सबको पता चल गया क्योंकि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारा स्टूडेंट डिस्कस कर रहा था फिर बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉमेंट कर रहा था कि डिटेल में एक डिस्कशन कर दो आपका वीडियो अच्छा लगता है इसलिए तो Osionfish. मैं देखा कि एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ फॉर्म फिलिंग के मतलब ऊपर भी बना देता हूँ कि कैसे फॉर्म फिलिंग करना है अदरवाइज प्रॉब्लम होगा स्टूडेंट्स को यहाँ पर देखो अप्लाई नाउ करके ऑप्शन है तो इसको क्लिक करते हैं तो अप्लाई नाउ क्लिक करने के बाद देखो ये पेज में तुम फॉरवर्ड हो जाओगे तो यहाँ पर दो तरह का कैटेगरी का स्टूडेंट होता है फर्स्ट है जो जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड है आइजा टीबीएम में और एक है जो न्यू रजिस्ट मतलब रजिस्टर्ड नहीं है मैक्सिमम स्टूडेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा तो क्या करना होगा ये जो लेफ्ट साइड में जो है एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन इसमें पहले फुल नेम तुम्हारा नेम डालना है उसके बाद ईमेल एड्रेस तुम्हारा जो ईमेल एड्रेस जो एक्टिव है वो डालना है ठीक है क्योंकि ईमेल एड्रेस में ईमेल जाएगा एक एक्टिवेशन लिंक जाएगा नहीं तो अकाउंट एक्टिव नहीं होगा ठीक है वही ईमेल एड्रेस डालो जो तुम्हारे पास है एंड एक्टिव है उसके साथ कन्फर्मेशन मेल फिर से वो जो ईमेल मेल एड्रेस फिर से डालना है पासवर्ड डालना है उसके बाद कॉन्फर्म पासवर्ड मतलब फिर से वही पासवर्ड फिर से डालना है उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है ये पर डाल के रजिस्टर कर देना है रजिस्टर करने के बाद तुम्हारा जो यहाँ पर ईमेल आईडी दे रहे हो यहाँ पर जो ईमेल है कॉन्फर्म ईमेल और ईमेल ये ईमेल में फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स के अंदर मतलब जब तुम ये रजिस्टर ऑप्शन में सबमिट करोगे यहाँ पर रजिस्टर करोगे उसके बाद फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स के अंदर एक मेल भेजा जाएगा एजट टी बी एम के तरफ से वहाँ पर एक एक्टिवेशन लिंक रहेगा उसको क्लिक करके तुम्हें मतलब अकाउंट एक्टिव करना पड़ेगा ठीक है मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आएगा ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो जब तो मैं मैं ऐसे एक बार तुम्हें सिखाने के लिए मैं यहाँ पर किया तो यहाँ पर देखो ऐसे तुम्हारा नेम आएगा ठीक है जैसे मेरा नाम आ गया उसके बाद यहाँ पर देखो एक एक्टिवेशन लिंक आ गया यहाँ पर एच करके इसको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद तुम्हारा अकाउंट एक्टिव हो जाएगा यहाँ पर दिखा देगा कि योर अकाउंट इज एक्टिव देखो यहाँ पर दिखा दे योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड एंड यू कैन प्रोसीड विद्ली विद द एप्लीकेशन आफ्टर लॉग इन उसके बाद लॉग इन करना है देन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करना है। ये एक्टिव नहीं करने के मतलब एक्टिव नहीं होगा तो फॉर्म फिलिंग फर्दर नहीं कर पाओगे पहले मेल के लिए वेट करो रजिस्टर करने के बाद मेल आए तो एक्टिव करो उसके बाद लॉग इन करो फिर से आई डी एंड पासवर्ड देकर फिर से फिर तुम्हारा जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग वो करो वो एक्टिव करने के बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल दिया पासवर्ड डाल दिया उसके बाद लॉगिन करता हूँ तो लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में फॉरवर्ड हो जाओगे वहाँ पर तुम्हें सारे डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगा देखो यहाँ पर मेरा नेम आ गया तुम पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो लॉग आउट भी कर सकते हो लॉग लॉगआउट करके कर, कर फिर से लॉग कर सकते हो ठीक है जरूरत नहीं है तो यहाँ पर एप्लीकेंट नेम देखो मेरा नाम आ गया ईमेल एड्रेस आ गया उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है उसके बाद एड्रेस डालना है उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है टेन डिजिट्स टेलीफोन है तो ठीक है अदरवाइज़ कोई जरूरत नहीं है जहां पर स्टार है रेड कलर का ये जो स्टार है ये ये जो जो ऑप्शन में है ये मैंडेटरी है ये फिलअप करना ही पड़ेगा जिसमें स्टार्ट नहीं है वो फिल कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो ठीक है उसके बाद कैटेगरी यहाँ पर चूज करना है जैसे मेरा है जनरल तो जनरल कर दिया उसके बाद जेंडर क्या है मेल ठीक है उसके बाद पर्सनल डिसेबिलिटी एस और नो करना है मेरा नो no है ठीक है उसके बाद स्कूल यहाँ पर सिलेक्ट करना है कौन सा स्कूल है जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स बायोलॉजी तो मेरा केमिस्ट्री है ठीक है जिसका जो है वो करना पड़ेगा उसके साथ साथ एग्जामिनेशन बोर्ड हायर सेकेंडरी का जो है मतलब एच के लिए जैसे मेरा एच के लिए डब्ल्यू बी सी एच था उसके बाद इंस्टीट्यूट कौन सा इंस्टीट्यूट यहाँ स्कूल से पढ़ाई किया था वो लिखना पड़ेगा यार पासिंग कितना था मेरा टू थाउजेंड सिक्सटीन था उसके बाद मार्क्स ऑन ऑन स्केल इन स्केल ऑफ टेन ओके तो मतलब यहां पर जो हायर सेकेंडरी का दिया है तो हंड्रेड मार्क्स का होता है जनरली तो उसको टेन से डिवाइड करके लिख देना अदरवाइज तो मैक्सिमम जो जो एच ए स्टूडेंट्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए टेन्स पॉइंट स्केल में कोई मार्क्स नहीं देता मैक्सिमम स्टूडेंट्स को तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए देखो यहाँ पर एक नोट दिया है इफ योर मार्क्स आर नॉट इन टेन पॉइंट स्केल कॉन्वर्ट टू टेन पॉइंट स्केल मतलब कैसे कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो ये फॉर्मू है मार्क्स इन टेन्स पॉइंट स्केल इक्वल टू ऑफ टेन मार्क्स इंटू टेन डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स ठीक है तो सपोज तुम्हें नाइनटी नाइन मिला है ठीक है तो नाइन्टी नाइन इंटू टेन डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स हंड्रेड तो नाइनटी नाइन इंटू टेन डिवाइड बाई हंड इक्वल टू नाइन पॉइंट नाइन मतलब टेन से डिवाइड करना ठीक है तो फुल मार्क्स हंड्रेड है तो अदरवाइज जो फुल मार्क्स है उसके बेसिस पे तुम्हें करना पड़ेगा फोर्टी फाइव है तो फोर्टी फाइव इंटू टेन डिवाइडेड बाई फिफ़्टी आउट ऑफ फिफ्टी है तो ठीक है तो ऐसे करके तुम्हें टेन पॉइंट स्केल में करना होगा हंड्रेड पॉइंट स्केल में करोगे तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा टेन पॉइंट स्केल मतलब दस के अंदर होना चाहिए ठीक है उसके बाद हायर सेकेंडरी हो गया तो क्वालिफाइंग डिग्री यहाँ पर देखो उसके बाद क्वालिफाइंग बीएससी का देना है तो बीएससी में कर दिया और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो बी है बी टेक है क्यूलैंड बैचलर्स है कुछ भी दे सकते हो मेरा बी में मैं बस दे दिया उसके बाद स्पेशलाइजेशन कौन सा है यहाँ पर तुम डाल सकते हो मेरा केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री उसके बाद यूनिवर्सिटी नेम उसके बाद यूनिवर्सिटी के बाद इंस्टीट्यूट मतलब कॉलेज नेम तो यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा कॉलेज में तुम पढ़ाई करते हो उसके बाद स्टेटस मतलब रिजल्ट क्या एवेटेड या फिर पास्ट जो जो पास्ट कर लिया

यहाँ पर तुम्हारा पेरेंट्स का या फिर गार्जियंस का डिटेल्स देना है नेम देना है एड्रेस देना है फोन नंबर देना है उसके बाद ये बॉक्स में क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड करना है ठीक है तो ये ऑप्शन हो गया उसके बाद तुम्हें क्या करना है ये ये हो गया एप्लीकेशन फॉर्म उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड ठीक है तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड में देखो स्टेप वन पहले कंप्लीट करना होगा अदरवाइज नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड में जाके तुम्हें फोटो सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट ये तीन चीज़ अपलोड करना पड़ेगा फोटो सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट फोटो के लिए जो साइज होगा फाइव हंड्रेड के अंदर जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट जो सिग्नेचर होगा ओ वी जेपी जी एफ जेपीजी फॉर्मेट फाइव हंड्रेड के पी के अंदर एंड जो जो स्टूडेंट्स का मतलब सर्टिफिकेट है ओबीसी एनसीएल एंड जनरल ई डब्ल्यू एस जो जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट होता है एस सी एस टी के लिए कोई भी फॉर्मेट चल जाएगा मतलब स्टेट लेवल अपलोड कर सकते हो कोई फॉर्मेट नहीं दिया तो ओबीसी एनसीएल एंड जनरल ई डब्ल्यू एस जो जो कैटेगरी स्टूडेंट्स है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं दिखा दिया था पहले कि एक लिंक दिया था दो लिंक और लिंक में क्लिक करके डाउनलोड करना है फिर फिलअप करके सबमिट करना होगा स्कैन करके या फिर फोटो लेके जेपीजी जी एफ जेपीजी फॉर्मेट साइज होना चाहिए 2048 के भी के अंदर ठीक है उसके बाद पेमेंट करना है पेमेंट करने के लिए जेनरल ई डब्ल्यू एस ओ बी सी ये सारे कैटेगरीज के, के लिए पेमेंट है वन थाउजेंड रुपीज़ पे करना पड़ेगा एंड एस सी एस टी स्टूडेंट्स के लिए फाइव हंड्रेड रुपीज़ ठीक है उसके बाद प्रीव्यू मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग हो गया डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया पेमेंट हो गया उसके बाद प्रीव्यू प्रीव्यू मतलब अभी तक तुम ये तीन ऑप्शन में क्या क्या किया वो सारे एक साथ दिखाएगा कि नेम कहाँ पर है एप्लीकेशन फॉर्म में क्या लिखा था डॉक्यूमेंट्स अपलोड में क्या लिखा था पेमेंट में कितना पैसा पेमेंट किया है सारे पेमेंट स्टेटस ये सब कुछ दिखाएगा एक चीज़ याद रखना पेमेंट करने के बाद पेमेंट का जो रिसिप्ट एंड ट्रांजेक्शन आईडी अच्छे से रखना अदरवाइज बाद में गड़बड़ हो जाए तो फिर से पेमेंट करना पड़ेगा ठीक है नहीं तो कैंसिल कर देगा तो पेमेंट रिसिप्ट एंड ट्रांजेक्शन आईडी अच्छे से रखना एंड सक्सेसफुल हो गया ये भी स्टेटस अच्छे से देख लेना ठीक है उसके बाद प्रीव्यू करके देख लेना सारे थिंग्स प्रीव्यू ऑप्शन में जाके कि सारे थिंग्स ठीक ठाक है कि नहीं फादर्स ने, ने, नेम मदर्स नेम फोन नंबर ई मेल तुम्हारा नेम डिटेल्स एड्रेस तो जो जो, जो स्कूल केमिस्ट्री फिजिक्स या फिर यूनिवर्सिटी का जो मार्क्स एच का मार्क्स ये सारे थिंग्स अच्छे से देख लेना ठीक ठाक रहेगा तो फिर सबमिट ऑप्शन में क्लिक करके सबमिट कर देना यह था कुछ इंपॉर्टेंट पोर्स तो जो जो स्टूडेंट्स को अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट नहीं मिला है ठीक है आईआईटी या फिर एनआईटी या फिर बहुत सारे एग्जाम्स नहीं हुआ अभी एच यू बी एच यू डी यू सब का एग्जाम होगा फॉर्म फिलिंग चल रहा है सी यू सी टी का भी चल रहा है तो उसके साथ साथ ये भी एक अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो गया ठीक है तो ट्वेंटी सीट्स है तो पार्ट स्कूल तो मतलब सोच सकते हो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए इलेवेंथ सेप्टेम्बर होगा उसके बाद जो जो स्टूडेंट सिलेक्ट होगा फोर्टीन टू सिक्सटीन सेप्टेम्बर के अंदर फाइनल राउंड इंटरव्यू होगा देन सिलेक्शन होगा तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पोर्स तो जो जो स्टूडेंट्स को कुछ इंस्टीट्यूट नहीं मिला आइजर टी जैसा एक इंस्टीट्यूट मतलब आइजर का टैग लगने वाला है तुम्हारे साथ ये इंस्टीट्यूट मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा जो जो स्टूडेंट्स को कुछ सीट नहीं मिला है ठीक है टू ईयर्स प्रोग्राम है ऐसे नहीं कि सेवन ईयर्स रहना पड़ेगा टू ईयर्स के बाद तुम वहाँ से अब्रॉड भी जा सकते हो एंड इंडिया में भी पी कर सकते हो ये पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें नेट गेट -के, के लिए भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा मतलब बाद में फिर से नहीं तो यार्ड ड्रॉप होगा ठीक है तो ये ध्यान में रखना एंड सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स याद रखना एंड ये ऐसे फॉर्म फिलिंग करना एंड सारे डिटेल्स पहले पढ़ लेना एंड पेमेंट स्टेटस अच्छे से देख लेना एंड ट्रांजेक्शन आई एंड पेमेंट रिपिप्ट को अच्छे से रखना सो दैट्स ऑल सो इफ यू गेट इन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज इट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स दट कैन हेल्प योर फ्रेंड्स ऑल्स एंड गिव सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स ऑल्सो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सी इन द नेक्स्ट वीडियो